चलेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा का, बड़ी जानकारी वहां से आ रही है। बेमेतरा में किसान को लामबंद, किसानों ने लामबंद किया और देखिए स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बेमेतरा के किसान है ये, जो लामबंद हड़ताल पर चले गए हैं और 10 से 15 गांव के लगभग 500 किसान मौजूद हैं। सरदा के निर्माणाधीन स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ फैक्ट्री मत लाइए। प्रदर्शन स्थल पर विधायक दीपेश साहू, किसान नेता योगेश तिवारी सहित भाजपा के नेता मौजूद हैं। बेमेतरा से बड़ी जानकारी, किसानों की नाराजगी देख लीजिए। स्पंज आयरन फैक्ट्री नहीं लाने देना चाहते वो वहां पर, और इसको लेकर लामबंद हड़ताल पर चले गए हैं किसान। और एक दो गांव के नहीं, 10 से 15 गांव ऐसे हैं जहां के किसान पहुंचे हुए हैं। 500 किसान की संख्या बताई जा रही है, उससे भी ज्यादा लोग यहां पर लामबंद हड़ताल पे हैं। और इनका कहना बस यही है कि सरदा में निर्माणाधीन जो स्पंज आयरन फैक्ट्री है उसका काम आगे ना बढ़ाया जाए, उसका विरोध कर रहे हैं ये। प्रदर्शन स्थल पर विधायक दीपेश साहू, किसान नेता योगेश तिवारी और कई भाजपा नेता भी मौजूद है। स्पंज आयरन फैक्ट्री संचालित ना हो, इसका काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। सरदा के निर्माणाधीन स्पंज आयरन फैक्ट्री का ये किसान विरोध कर रहे हैं। और एक दो गांव के ये किसान नहीं है, हम आपको बता दें कि 10 से 15 गांव के किसान एकत्रित होकर 500 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है। और इनका बस एक ही कहना है कि फैक्ट्री के दलालों को आप देखिए बोर्ड लिए हुए हैं, बोर्ड में भी आप समझ पा रहे होंगे क्या कुछ लिखा है, फैक्ट्री के दलालों को लेकर कुछ लिखे हुए हैं।